साथियों, पर्यावरण की रक्षा के लिए आज भारत नए इनोवेशंस प्रो एनवायरमेंट टेक्नोलॉजी पर लगातार जोर दे रहा है। आप सभी ये जानते हैं कि प्रदूषण कम करने के लिए हम BS5 नॉर्म पर नहीं आए, बल्कि BS4 से सीधे BS6 पर हम जंप लगा दिया। हमने जो देश भर में LED बल्ब देने के लिए उजाला योजना चलाई, उसकी वजह से सालाना लगभग 40 मिलियन टन कार्बन एमिशन कम हो रहा है। सिर्फ लट्टू के बदलने से घर में अगर सब लोग जुड़ जाएं, सबका प्रयास कितना बड़ा परिणाम लाता है। भारत फॉसिल फ्यूल पर अपनी निर्भरता को कम से कम करने का प्रयास कर रहा है। हमारी ऊर्जा जरूरतें रिन्यूएबल सोर्सेज से पूरी हो, इसके लिए हम तेजी से बड़े लक्ष्यों पर काम कर रहे हैं। हमने अपनी इंस्टॉल पावर जनरेशन कैपेसिटी का 40% नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड सोर्सेज से हासिल करने का लक्ष्य तय किया था। ये लक्ष्य भारत ने तय समय से 9 साल पहले ही हासिल कर लिया है। आज हमारी सोलर एनर्जी कैपेसिटी करीब 18 गुना बढ़ चुकी है। हाइड्रोजन मिशन हो या फिर सर्कुलर इकोनॉमी पॉलिसी का विषय हो, ये पर्यावरण रक्षा की हमारी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। हमने पुरानी गाड़ियों को लिए स्क्रैप पॉलिसी लाए हैं, वो स्क्रैप पॉलिसी भी अपने आप में बहुत बड़ा काम होने वाला है। साथियों, अपने इन प्रयासों के बीच आज पर्यावरण दिवस के दिन भारत ने एक और उपलब्धि हासिल की है, और ये मेरा सौभाग्य है कि खुशखबरी देने के लिए मुझे आज बहुत उचित मंच मिल गया है। भारत की परंपरा रही है कि जो यात्रा करके आता है उसको छूते हैं तो आधा पुण्य आपको मिल जाता है। ये खुशखबरी मैं आप जरूर सुनाऊंगा और देश को और दुनिया के लोगों को भी आनंद आएगा। हाँ, कुछ लोग आनंद ही ले सकते हैं। आज भारत ने पेट्रोल में 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। आपको ये जानकर भी गर्व की अनुभूति होगी कि भारत इस लक्ष्य पर तय समय से 5 महीने पहले पहुंच गया है। ये उपलब्धि कितनी बड़ी है इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि साल 2014 में भारत में सिर्फ 1.5% इथेनॉल की पेट्रोल में ब्लेंडिंग होती थी। इस लक्ष्य पर पहुंचने की वजह से भारत को 3 सीधे फायदे हुए हैं। एक तो इससे करीब 27 लाख टन कार्बन एमिशन कम हुआ है। दूसरा, भारत को 41,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विदेशी मुद्रा की बचत हुई है,
और तीसरा महत्वपूर्ण फायदा, ये देश के किसानों को इथेनॉल ब्लेंडिंग बढ़ने की वजह से 8 वर्षों में 40,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा आय हुई है। मैं देश के लोगों को, देश के किसानों को, देश की ऑयल कंपनियों को इस उपलब्धि के लिए बधाई देता हूं।